तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू माउंटेन। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लू माउंटेन में। वैसे किसी ने सही कहा है, ससुराल में जो है ना, जमाई की जो इज्जत है ना, बहुत ज़्यादा होती है। और मैं पिछले कल आया हूँ यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी हो रही है। तो थोड़ा मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि एक दिन लेट हो गया मैं, लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं डाला अपने चैनल में, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा बोलने में भी तकलीफ है। मैंने पिछले ब्लॉग में जब बिजली महादेव गया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि जीभ में जो है थोड़ा कट लग गया, उस वजह से थोड़ा बोलने में जो है कुछ जो शब्द है उसमें बोलने में मुश्किल हो रही है। तो पिछले कल पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर अपने ससुराल में अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। तो पिछले कल फिर मौका भी नहीं मिला, जल्दी जल्दी में तैयारी करने को थी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मौका भी नहीं मिल पाया मुझे ब्लॉग बनाने का, तो एक दिन लेट हो गया। तो आज सुबह उठते ही मैंने सोचा कि ब्लॉग बना देता हूँ। एक तंदूर के पास बैठा हूँ, बढ़िया खातिरदारी हो रही है, चाय पानी दूध एंड सब्जी वगैरह सब कुछ बन रही है, और सामने माउंटेन भी है बहुत बड़े बड़े। मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, थोड़ा जैसा व्यू का जो एरिया है, जो भी व्यू है पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, कैसा कैसा मेरे ससुराल का एरिया। तो थोड़ा जैसा लेट हो जाएगा ये ब्लॉग डालने में, तो आप इंतज़ार करना और ज़रूर देखना। अभी मुँह भी नहीं धोया हुआ है मैंने अपना, बस उठाया अपना कॉन्फिडेंस और लगाया। तो बाहर तो आज मौसम ख़राब है, कल जाना है हमने नगर से ऊपर, वहाँ पर भी मेरी वाइफ के जो मामा जी वहाँ पर बहुत बड़ी जो है एक देव प्रक्रिया होगी, बहुत ही पुराना कल्चर जो है प्रदर्शित किया जाएगा, मुखौटा डांस कहते हैं उसे। आजकल अब फागड़ी लगी हुई है, लाहौल में भी लगी है, कुल्लू में भी लगी हुई है, हमारे लगबेली में भी लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है फागड़ी। तो जो नगर वाली जो फागड़ी है उससे ऊपर जो गाँव है वहाँ पर जाने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही अलग टाइप की फागड़ी होती है, और मुखौटा डांस तो बहुत जगह होता है पर वहाँ पर होता है कुछ अलग ही टाइप का मुखौटा डांस। तो उसे भी मुझे देखना था, काफ़ी टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस मुखौटा डांस को देखूँ, वहाँ की प्रक्रिया देखूँ, देव प्रक्रिया देखूँ। तो मुझे कल मिलेगा वो वहाँ पर जाने का मौका, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मेरे वाइफ का जो भाई है उसके साथ निकलेंगे हम यहाँ से अर्ली द मॉर्निंग जल्दी, फिर उसके बाद मैं पूरा जो भी है शूट करूँगा और दिखाऊँगा आपको। तो गाइज एक बात है, यहाँ पर जो है बजौरा से ज़्यादा ठंड है, जो मेरा नया घर है बजौरा में आपको तो पता ही है, वहाँ से ज़्यादा ठंड है इधर, और क्योंकि हाइट भी है और आपका आसपास जो है पहाड़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो बर्फ़ है। तो अभी दिखाता हूँ मैं गाइज आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा, और थोड़ा जैसा बाहर भी थोड़ी ब्लॉग कर लेते हैं, तो अभी दिखाता हूँ मैं, चलो गाइज। तो गाइज अभी सुबह सुबह आया हूँ मैं यहाँ पर बाहर, तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना गाइज, पूछ मत आप, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो अभी मेरा बेटा जो है अभी ऊपर को आ रहा है, देखना बहुत ही ज़्यादा शरारती है अभी खेल के आएगा, ये भी शुरू हो जाएगा गाइज गाइज बोलना। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, यहाँ से दिखाई दे रहा है बजौरा की तरफ को तो जो है अभी बिल्कुल साफ़ है मौसम, हल्के फुल्के बादल, पर जो ये ऊपर का इलाका, ये मनाली की तरफ का इलाका, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी तो एक ही स्वेटर लगा के आया हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि और ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे गाइज, अंदर जाना पड़ेगा फटाफट अंदर, नहीं तो इधर ठंड से जो है ना कुल्फी जम जाएगी। तो ये है गाइज देखिए तंदूर, जो कि सर्दी में बचने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे, तो इसकी तो इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है कुल्लू मनाली में। बाहर तो इतनी ठंड है ना पूछो मत, टिक ही नहीं सकते हैं। मैं तो थोड़ी देर टिका, ऊपर से पाँव में मैंने ना जुराब लगाई थी ना चप्पल लगाई थी, बस थोड़ी देर के लिए नज़ारा दिखाने के लिए किया मैंने, पर इससे भी ज़्यादा बढ़िया नज़ारा ऊपर का होगा नगर से ऊपर का, वहाँ से जितने भी माउंटेन है सारे दिखाई देंगे अगर मौसम साफ होना चाहिए। कल बारिश नहीं होनी चाहिए, बादल हुआ तो तब तो आपका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बर्फबारी चारों तरफ होगी, और अगर मौसम बिल्कुल क्लियर हुआ और साफ हुआ तब तो और भी ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा, पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अभी आधा मौसम साफ है और आधा बादल है, तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने बोला ना जो मेरा ससुराल है ये मनाली की तरफ को, तो ये हाइट एरिया में है, तो इस वजह से जो है बजौरा से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो अभी तो मैं तो फटाफट आ गया, बस कुल्फी जम गई थी बाहर। पता नहीं ये मेरा जो बेटा छोटा, अभी इनका जो अभी बच्चे हैं ना, अभी बोलते हैं ना स्ट्रांग होते हैं ज़्यादा, तो इनको ठंड वगैरह का कोई असर नहीं होता, बोलते हैं ना बच्चे सर्दी में भी पानी में खेलते हैं, तो ऐसा ऐसा है। तो और सुनाओ गाइज फिर नई ताज़ी, आप कमेंट सेक्शन में कुछ नए डायलॉग सुनाओ, सुनाते ही नहीं आप, कमेंट करते ही नहीं कोई। एक बार अगर तंदूर के कमरे में बैठ गए ना, फिर यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस यहीं चिपके रहना पूरे दिन भर पर। पर क्या करना, काम भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पर कई चीज़ें हैं। मेरा जो सिस्टर का मेरी वाइफ का जो भाई है वो तो सुबह ही चला गया हुआ है, मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे चला गया वो स्प्रे करने के लिए वहाँ पर। इनका मेरी वाइफ का जो एक बहुत बड़ा बगीचा है यहाँ पर, पलम की स्प्रे करने के लिए गया वो सुबह यहाँ से, तो इनको डेली की आदत है, और ये डेली जो है सुबह इतने बजे उठेंगे और सुबह इतने बजे काम करेंगे।
तो जो खेती में जो काम करने वाला है ना, वो अर्ली द मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाता है। तो अभी स्प्रे करके आएगा, फिर उसके बाद दूसरा काम करेगा। तो देखा जाए तो जो पहाड़ी जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सुबह ही उठ जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं और टाइम से मतलब कि अपना सब कुछ काम करते हैं। तो ऐसी ऐसी है, हम तो अब बाजार में रहते हैं, तो इस वजह से अब आदत भी नहीं रही उतनी हमें माउंटेन की। तो आपको पता ही, हमारा बिजनेस है, शॉल का बिजनेस है, तो उस हिसाब से ही हम सुबह अपना जो काम भी करते हैं और शाम को भी अपना उस हिसाब से ही क्लोज करते हैं काम। पर जो ये माउंटेन में रहने वाले, ये अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इनको टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना है और टाइम से खाना खाना है, और शाम को टाइम से इनको नींद भी आ जाती है क्योंकि थक जाते हैं ये काम करके बहुत ज़्यादा। तो ऐसी ऐसी लाइफ है। कल जब मैं जाऊँगा ऊपर नगर से ऊपर मेरे वाइफ के मामा जी के घर में, तो वहाँ आपको दिखाऊंगा। बहुत ऐसा सुना है मैंने, बहुत पुराने पुराने टाइम के घर हैं, बहुत ही अलग जैसे हैं। तो वो भी देखेंगे कल मजे से, और बढ़िया तरीके से जो है अपना जो फागली होगी वहाँ का, यानी कि एक फेस्टिवल है, मेला, देव फंक्शन, उसका एंजॉय भी लेंगे और नज़ारे भी दिखाते दिखाते चलेंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं गाइस, पता नहीं मेरा लड़का क्या कर रहा होगा, अभी देखते हैं उसको क्या कर रहा है बाहर। एक तो ऐसा है ना, गिम्बल की आदत पड़ चुकी है मुझे, ठीक है। तो जब हाथ से पकड़ता हूँ मोबाइल ऐसे करके ब्लॉगिंग करने के लिए, तो आदत नहीं है, तो इस वजह से जो है शेक होता है बहुत ज़्यादा, जो है वीडियो का जो परफॉर्मेंस है वो शेक होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ की आदत नहीं है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं कर सकते हैं। तो गिम्बल ऐसा है, उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। तो आपको पता ही, जब मैं रिवाल्सर होता हूँ तो दुकान के सामने रख देता हूँ मोबाइल गिम्बल में लगा के, और उससे जो है बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलता है मुझे, और बोलने में भी मज़ा आता है। अभी टोपी भी नहीं ना है, नहीं तो आपको पता ही है भोलू का करेक्टर भी हो जाना था टोपी लगा के, क्योंकि भोलू भी बहुत ज़रूरी है। चलो कल देखते हैं। वैसे सोच रहा था मैं गिम्बल लाने के लिए, पर गिम्बल नहीं ला ही पाया मैं, फिर बैग में जगह भी नहीं थी। जगह तो उसने कितनी लेनी थी, पर फिर भी मैंने सोचा रहने देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का ध्यान जाता, वो सोचते कि भाई क्या चीज़ है ये, कि कौन फोटो शूट करने आ गया नया। फिर मैंने सोचा गाँव के बीच में गिम्बल ले जाना ठीक नहीं होगा, फिर कई लोगों का जो है ध्यान भटक जाता है एकदम, देखेंगे मेरी तरफ कि भाई ये कौन नया आ गया है, कैमरा मैन ऐसा वैसा, तो इसलिए मैंने नहीं लाया गिम्बल। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा स्टेबलाइजेशन देने की ये वीडियो क्वालिटी में आप लोगों को, जो भी आप देखेंगे। फ़ोन का भी हिसाब होता है ना, जैसे इसका जो बैक कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी है। जो फ्रंट कैमरा है वो 1080 की जो क्वालिटी बनाता है, वैसे तो इतनी चल पड़ती है यूट्यूब के लिए भी 1080 की, पर अगर मैं जितना ज़्यादा हिलूंगा तो उतना ज़्यादा ये शेक करेगा। 4K 60 FPS में ऐसा होता है कि क्वालिटी बेटर होती है, और ज़्यादा MB ज़्यादा खाएगा ज़रूर, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और हाई परफॉर्मेंस देगा। और कैमरे में ही गिम्बल होता है, तो आप जितना मर्जी हिलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरे की जो क्वालिटी होगी और वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल स्टेबल रखेगा आपकी वीडियो को। तो ऐसा ऐसा है, तो दिखती बात है, 20-30-40 हज़ार का फ़ोन और 1.5 लाख के फ़ोन में तो अंतर होगा ही होगा गाइज। तो गाइज मिलते हैं, अब कल बनाऊंगा मैं ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना। अभी तो बैठा मैं तंदूर के पास, तो मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बोरिंग ब्लॉग बनाया है मैंने, तंदूर के पास बैठा बस बोल रहा हूँ, पर बहुत जल्दी मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा ब्लॉग। तो गाइज मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो गाइज सब्सक्राइब कर देना ब्लू माउंटेन को।